कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के समस्त एग्जिट पोल्स चैनलों द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। इस बीच न्यूज 24 की एक पोस्ट साझा की जा रही है जो कि सोशल मीडिया पर मजाक का कारण बन रही है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल को लेकर कई बार हंसी मजाक और गलतियां बातें सामने आ ही जाती हैं, लेकिन इस बार न्यूज 24 ने तो हद कर दी। न्यूज 24 द्वारा प्रस्तुत किए गए एग्जिट पोल में राजस्थान की 25 सीटों में से 33 सीटें एनडीए के खाते में दिखाई गई। यह न सिर्फ गणितीय रूप से असंभव है बल्कि यह एग्जिट पोल की सटीकता और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा रहा है। राजस्थान में आपको बता दें दोस्तों, कुल सीटें 25 हैं और एनडीए के खाते में यहां पे 33 सीटें दिखाई जा रही हैं, जो कि अजीबोगरीब स्थिति है। यह देखना वास्तव में हास्यास्पद है कि न्यूज 24 ने राजस्थान में एनडीए को 25 में से 33 सीटें कैसे दे दी। यह एक बड़ी गलती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एग्जिट पोल का उद्देश्य चुनाव के संभावित परिणामों का पूर्वानुमान करना होता है, लेकिन जब इस तरह की गलतियां सामने आती हैं तो यह एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। एग्जिट पोल में त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन इस स्तर की गलतियां असामान्य हैं। इसे या तो तकनीकी गड़बड़ी कहा जा सकता है या फिर डेटा एंट्री में बड़ी चूक। आपको बता दें कि एक प्रसिद्ध प्रवक्ता ने कहा कि जो कि प्रसिद्ध चुनाव विश्लेषक भी हैं, इन्होंने इसको एक हास्यास्पद स्थिति करार दिया है। सोशल मीडिया पर लोग इस गलती का जमकर मजाक भी बना रहे हैं। किसी ने गांजा फूकने का नतीजा बताया तो किसी ने जोशी जी ने लिस्ट भेजी है वैसा दिखाई दिया, कुछ ऐसा कहा है। न्यूज 24 द्वारा किए गए इस पोस्ट पर सत्यपाल मलिक जो कि पूर्व राज्यपाल हैं, इन्होंने कहा कि राजस्थान की 25 सीट में से 33 सीट जीतने की कोशिश आखिरकार कामयाब हुई, कहीं 4 जून को भाजपा 1000 का आंकड़ा पार न कर जाए। एग्जिट पोल एक महत्वपूर्ण टूल है जो मतदाताओं को संभावित चुनाव परिणामों का पूर्वानुमान देता है, लेकिन इस तरह की गंभीर गलतियों से इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। न्यूज 24 और अन्य मीडिया चैनलों को चाहिए कि अपने डेटा की सटीकता को सुनिश्चित करें और इस तरह की गलतियों से बचें। आपको बता दें कि एग्जिट पोल वास्तविक चुनाव परिणामों का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व तो नहीं होते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है उन्हें सही और सटीक तरीके से प्रस्तुत किया जाए। इस तरह की गलतियां जनता के विश्वास को ठेस पहुंचा सकती हैं और चुनावी प्रक्रिया की गंभीरता को प्रभावित कर सकती हैं। अब इंतजार होगा 4 जून का, जब वास्तविक चुनाव परिणाम सामने आएंगे और तब हम देखेंगे एग्जिट पोल कितने सटीक थे। तब तक यह वाकया हमारे आपके बीच हंसी मजाक और सीखने का अवसर बना रहेगा। फिलहाल दोस्तों, वायरल हो रहे इस एग्जिट पोल के स्क्रीनशॉट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स करें और ऐसे वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।